वेल गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो क्या हाल है, उम्मीद आप सभी काफी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली तो और अच्छी होगी। गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत तगड़ी वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बहुत तगड़ी नॉलेज लेके जाओगे। एक भी मतलब थोड़ा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि नॉलेजेबल वीडियो लेके आऊँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक सपोर्ट लेबल था, रेजिस्टेंस लेबल था, ठीक है। इसी रेजिस्टेंस लेबल पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लगाया है आपके लिए, और क्यों लगाया वो मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। देखो, एक सेकेंड, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेबल था और मैंने इसी रेजिस्टेंस लेवल पे आपके लिए ट्रेड लगाया। अब देखो, मैं यहाँ पे इस रेजिस्टेंस लेवल पे आपके लिए ट्रेड क्यों लगाऊं? देखो, कैंडल कितने भी नगर गिरे, आके गिरेगी पीएलटी के कदमों में, ठीक है। और अगर ऊपर या डाउन, ऊपर नीचे ना हुई ना, तो याद रखना एनालिसिस इतनी परफेक्ट होगी, कैंडल डोजी बना के छोड़ देगी, मेरी ट्रेड रिफंड हो जाएगी। तो ये होती है एनालिसिस। आप देख सकते हो कैंडल लास्ट में, देखो ऊपर नीचे कहीं नहीं गई, लास्ट में जाने की कोशिश की बट नहीं जा पाई। अगेन मैं इसी रेजिस्टेंस लेवल पे अप, मुझे यहाँ पे पूरा, मैं श्योर हूँ, फुल श्योर हूँ कैंडल यहाँ से अप जाएगी। तो एनालिसिस ऐसी रखो कि अगर कैंडल आपकी डायरेक्शन में ना भी जाए ना, तो डोजी बना के छोड़ दे। ये होती है प्रॉपर एनालिसिस, ये होती है प्रॉपर नॉलेज। अगर आपको भी ऐसी नॉलेज चाहिए, अभी मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ, हाउ टू डबल योर कैपिटल, आप अपने कैपिटल को कैसे बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मैं ट्रेडिंग भी सिखाता हूँ, ट्रेडिंग की ए टू जेड नॉलेज, बेसिक एडवांस, एडवांस एक्सपर्ट लेवल तक। बैच 3 कंप्लीट होने वाला है, बैच 4 लॉन्च होगा अपना 10 या 15 दिन के अंदर। बैच 4 मैं लॉन्च कर दूंगा और प्रॉपर उसमें आपको मैं ए टू जेड बेसिक्स, एडवांस, एडवांस एक्सपर्ट लेवल तक ट्रेडिंग सिखाने वाला हूँ। ए टू जेड नॉलेज प्रोवाइड करने वाला हूँ। मैं कैसे कैंडल को देखता हूँ, मैं क्या मार्केट में, देखो आप सोचते हो मार्केट में बस कैंडल देख के ट्रेड होता है ना भाई, जो एक एक्सपीरियंस ट्रेडर होता है उसकी आंखें इतनी तेज होती हैं, उसकी आंखें इस चार्ट को इतना देख चुकी होती हैं, कैंडल का पूरा बिहेवियर बता देती हैं आपको, ठीक है। तो मार्केट में बस कैंडल देख के नहीं, इसके पीछे रीजन क्या है, एक कैंडल कितने नखरे करती है, वो सब देखना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने ट्रेड हिस्ट्री को हाइड करता हूँ और आपको बताता हूँ कि आप अपने कैपिटल को डबल कैसे कर सकते हो, सिंपल। तो कुछ दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी, मैं बिजी चल रहा था, मैं अपना सेटअप वगैरह तैयार कर रहा था। 10K के बाद मुझे वीडियो अपना फेस रिवील करना है, टेलीग्राम पे 10K हो जाएंगे, यूट्यूब पे 10K हो जाएंगे, मैं अपना फेस रिवील कर दूंगा, ठीक है। तो उसी के प्लान में था, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया 10K के बाद मैं अपना फेस रिवील करूंगा, तो उसी के चक्कर में पूरा मैं बिजी था कुछ दिन से, 3-4 दिन से मैं अपना वीडियो वगैरह नहीं अपलोड कर पा रहा था ज्यादा। अब प्रॉपर वे में मैं फ्री हो चुका हूँ, वीडियो लगातार आएगी, और जैसे पहले आते थे 2 दिन पे एक वीडियो, ऐसे आएगी और कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो आएगी। आप बस लर्निंग लो, खुद से अगर ट्रेड नहीं कर पा रहे हो तो लर्निंग लो पहले, फिर उसके बाद ट्रेड करो, तो इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनो। लोग कहते हैं आओ मेरे VIP के सिग्नल फॉलो करो, भाई देखो मार्केट में जेन्युइन बहुत कम लोग मिलेंगे आपको, सिंपल बता देता हूँ। मैं कहूंगा अगर आपको अपना चूतिया नहीं कटवाना है तो जाना मत उनके पास, सिंपल सी बात है। ये देखो कौन सी कैंडल बनी, ये कैंडल हमको बता रही है मार्केट कहाँ जाएगा, ये कैंडल हमको बता दे रही है कि मार्केट ये कहाँ जाएगा। तो अभी मैं बताऊंगा, पहले ट्रेड का रिजल्ट देख लो और प्लस मेरी भी बातें सुनो, ठीक है। देखो मार्केट में सब जेन्युइन नहीं है, लेकिन सब ये जानते हैं कि PLT आया है, तो एक ट्रांसपेरेंटी के साथ अपने साथ रहने वाला है, क्योंकि लोग जानते हैं PLT वो स्टेज देख चुका है भाई, मैंने वो गरीबी देखी, यही ये मेरा अकाउंट जो इस अकाउंट में आप देखते हो, 40,000, 50,000, 1,00,000, 2 लाख यूएसडी, यही बैलेंस मेरा जीरो रहता था। कैसे मैंने इसको बिल्ड किया, और इन्हीं इन्हीं चूतियों की वजह से मेरा बैंक खाली हो गया था। तो मैं उन सबसे कैसे उभरा, कैसे क्या क्या करके मैंने अपने कैपिटल को बिल्ड किया। अगर आपको भी अपने कैपिटल को बिल्ड करना और आगे बढ़ना है, देखो मेरे चार्ट पे क्या है, कुछ नहीं है, इतना चार्ट खुला है और मैं ट्रेड कैसे ले रहा हूँ, प्रॉपर वे में कैंडल कैसे भाग रही है। तो एक कैंडल के पीछे देखो मैं ट्रेड कैसे ले रहा हूँ, ये कैंडल चल रही है, अब इस कैंडल को मैं रीड करूंगा, अगले नेक्स्ट वाले कैंडल पे ट्रेड ले रहा हूँ, ऐसे ही मैं ट्रेडिंग करता हूँ, इस कैंडल को रीड करूंगा, इस कैंडल को रीड करूंगा, अगले नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड कर दूंगा, बस ऐसे ही मैं ट्रेडिंग करता हूँ मार्केट में। मैं और आगे पीछे कुछ भी नहीं देख रहा हूँ, आपको भी नहीं देखना, मैं आपको ऐसा ट्रेडर बनाऊंगा कि आप कुछ भी नहीं देखोगे, बस इसी कैंडल को रीड करके यहाँ पे ट्रेड लगा दोगे, इस कैंडल को रीड करोगे यहाँ पे ट्रेड लगा दोगे, इस कैंडल को रीड करोगे यहाँ पे ट्रेड लगा दोगे, सिंपल। आपको मैं इस तरीके की नॉलेज, इस तरीके की लर्निंग दूंगा, क्योंकि भाई मैंने मार्केट में, इस मार्केट में 4 साल मतलब गुजारा है, और एक बहुत मिडिल फैमिली से था मैं। 10K के बाद जब वीडियो मतलब जब मैं अपना फेस रिवील करूंगा, तो आपको सब कुछ ए टू जेड बेसिक एडवांस, एडवांस एक्सपर्ट लेवल तक सिखाऊंगा, नॉलेज दूंगा प्रॉपर, जैसे मैं ट्रेडिंग करता हूँ आप कैसे कर सकते हो। अब आते हैं टॉपिक पे कि आप अपने कैपिटल को ग्रो कैसे कर सकते हो। देखो दोस्त, जो कहेंगे कि आपका कैपिटल एक दिन में डबल हो जाएगा, तो याद रखना वो आपका पहला चूतिया काटने आया है, वो आपका चूतिया काट देंगे, उसमें 1% का भी शक नहीं है, वो आपका चूतिया काट देंगे। एनालिसिस देख लो, कुछ नहीं बोलना, कुछ भी मतलब 1% भी नहीं बोलना है, एनालिसिस आप मेरी देख सकते हो,
तो ये है पीएलटी। पीएलटी के जैसा ना आज तक कोई पैदा हुआ ना कभी होगा, इस चीज को सब जानते हैं। और नोट टेलीग्राम पे आ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना। डेली का डेली मैं अपने जस्ट वीआईपी मेंबर को कैसे बैक टू बैक शेयर शॉट की बारिश करके देखता हूँ, देता हूँ। ये कैंडल मैंने कुछ नहीं देखा पीछे, ना सपोर्ट ना रेजिस्टेंस। तो भाई लेवल्स पे हमेशा ट्रेडिंग नहीं होती, जो वो कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मस्ट होता है मार्केट में। भाई मैंने यहाँ पे कौन सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखा जो यहाँ पे डाउन की ट्रेड लगा दी, किस कंफर्मेशन से? तो बस मैंने इसी कंफर्मेशन से इस कैंडल की साइकोलॉजी को रीड किया और इस पे लगा दिया। और इसमें मेरा बहुत से कॉन्सेप्ट मिलते हैं जो मैं अपने पर्सनल मेंटरशिप में सिखाने वाला हूँ। बैच फोर लॉन्च होने वाला है 10-15 दिन में। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी एक नहीं हजारों ऐसी स्ट्रेटेजी है, बोलिंजर बैंड वगैरह, जिसको अगर मैं लगा दूं ना तो रिजल्ट 99% आते हैं, क्योंकि मैंने उस पर 4 साल वर्क किया है। तो आप देख लो, बस मैं इतना ही चार्ट मेरे सामने ये खुला था और मैं ट्रेड करता गया और आपके सामने अभी तक एक भी अपनी ट्रेड लॉस नहीं हुई। तो ये होती है नॉलेज मेरे दोस्त। अगर आपको भी ट्रेडिंग सीखना है और अगर डेली का डेली मेरे शो शॉट लेके मेरे सिग्नल कॉपी करके आपको बैक टू बैक प्रॉफिट करके अपना कैपिटल गेन करना है, तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हो गई ये सब नॉर्मल बातें, अब आपको बताता हूँ कि आप अपना कैपिटल कैसे ग्रो कर सकते हो। मैंने काफी ट्रेड ले लिया आपके सामने, विन करके अपनी एक्टिविटी वगैरह सब कुछ दिखा दिया। अब नहीं, अगर अभी भी नहीं भरोसा तो पिछले बार प्रीवियस वीडियो देख लो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। पीएलटी कौन, जो न्यू मेंबर आए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लर्निंग वीडियो आती रहेगी और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। अब मैं बताता हूँ कि आप अपने कैपिटल को डबल कैसे कर सकते हो। मेन मुद्दा यही है, मेन थंबनेल यही है, तो यही बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, सपोज दैट आप अपने अकाउंट में $50 या $100 में पकड़ के चलता हूँ, $100 आपने अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया। तो जब आप $100 डिपॉजिट करते हो, जो आपको कहे कि $100 को अभी तुम 200 बना दो या मैं तुम्हें बना के दे दूंगा, तो उसको लात मार के भगा देना, समझ रहे हो ना, लात मार के भगा देना, क्योंकि वो तुम्हारा 8,000 रुपये डुबा देगा। और उसमें से उसको लोग यहाँ अपना पेट भर रहे हैं यार, तुम्हारी फैमिली और तुम्हारी कंडीशन नहीं देखेंगी, ये बेचारा किस गरीबी से और किस मतलब कैसे यहाँ तक पहुंचा, किस मुसीबत से ये $100 उसने 8,000 रुपये अरेंज किए होंगे, कहाँ वर्क किया होगा, कहाँ कहाँ के धक्के खाया होगा। मैं खाया हूँ भाई, 10 की किताब सब रिवील करूंगा, देखना तुम मेरी क्या सिचुएशन थी आज से कुछ टाइम पहले, 2-3 साल पहले, मैं आपको सब बताऊंगा, तभी मैं आपके साथ यूट्यूब पे ट्रांसपेरेंटी से रहने आया हूँ, ठीक है। तो देखो दोस्त, छूतियों के चक्कर में मत पड़ना, वरना आपका बैलेंस खाली हो जाएगा। $100 आपने डिपॉजिट किया, बैंक करप्ट अगर नहीं होना चाहते हो तो बस रियल नॉलेज लो, खुद इंडिपेंडेंट बनो, खुद ट्रेडिंग करो। खुद से नहीं कर पा रहे हो, आ जाओ टेलीग्राम चैनल पे, प्रॉपर आपको डेली शो शॉट मिलेंगे बैक टू बैक। MTG वगैरह मैं कभी नहीं देता हूँ, डायरेक्ट शो शॉट देता हूँ। हाँ, मैं ये भी कहता हूँ, अगर मेरी एक ट्रेड लॉस भी हो गई तो मैं उसको छोड़ देता हूँ। हाँ, होती है कभी कभी, डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ, मेरी भी ट्रेड लॉस होती है, मैं भगवान नहीं हूँ मार्केट में, ठीक है। 9-10 ट्रेड लूंगा, देखो बिगिनर जो होते हैं ना 9-10 ट्रेड लेंगे 8 ट्रेड लॉस करेंगे, जो एक्सपीरियंस होते हैं वो 10 ट्रेड लेंगे उसमें से 8-7 ट्रेड विन करेंगे, 1-2 ट्रेड लॉस करेंगे। और अगर एक्सपीरियंस ट्रेडर अगर कभी लॉस करता है ना, तो अपने कैपिटल को जो लॉस किया था उसको कैसे प्रॉफिट में कन्वर्ट किया जाता है वो उसको पता होता है, प्रॉपर वे में वो चीज उसको पता होती है, वो कन्वर्ट कर देता है अपने लॉसेस को प्रॉफिट में, ठीक है। तो मैं यही कहूँ, छूतियों के चक्कर में ना पड़ना। अब देखो, $100 आपने अगर इसमें डिपॉजिट किया है, ठीक है, इसमें, और इसी $100 को अगर आप 200 बनाना चाह रहे हो, तो एक टारगेट बनाओ, एक स्टॉप लॉस बनाओ, एक टारगेट बनाओ कि आज डेली का मुझे इतना गेन करना है। मैं कहता हूँ 1 हफ्ते का टारगेट बना लो, चलो 10 दिन का, 10 दिन मैं कहूंगा प्रॉपर 10 दिन का बना लो। 10 दिन का अगर तुम टारगेट बना लेते हो, ठीक है, अगर तुमने 10 दिन का सपोज टारगेट बना लिया कि मुझे 10 दिन में $100 को 200 करना है, तो भाई जब तुमने 100 डिपॉजिट कर लिया है तो 100 में से 10 को यूज करो, 90 को भूल जाओ। मनी मैनेजमेंट के वीडियो जाके देख लो, मैंने अपलोड किया, वैसे ही मनी मैनेजमेंट करना और धीरे धीरे डेली का डेली $10 से 100 डिपॉजिट किया, $90 को भूल जाओ। सोच लो कि $90 मेरा है ही नहीं, और उसी $10 से आज 10 बना लिए, बंद कर दो। सपोज देट चलो मैं पकड़ता हूँ, कल तुम्हारा बिगिनर हो, तुम्हारा लॉस हो जाता है, तो फिर तुम $100 तुम्हारा कैपिटल, इनिशियल कैपिटल कभी मत जाने देना, इनिशियल कैपिटल तो तुम्हारा बचा है। अगले दिन फिर कोशिश करना, फिर 10, अगर खुद नहीं कर पा रहे तो टेलीग्राम चैनल पे जो मैं गेन करवाऊंगा अपने VIP मेंबर का, डेली में कैपिटल गेन करवा के उनका एक बड़ा कैपिटल में बिल्ड कर रहा हूँ, तुम्हें भी करना है, तुम आ सकते हो। अगर खुद गेन करना है खुद कर लो, अगर इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है तो मुझसे लर्निंग ले लो, आगे सीखो, वीडियो से सीखो, बढ़ो आगे, कौन रोक रहा है तुमको। तो वही चीज कहूंगा, प्रॉपर हमेशा एक रियल नॉलेज के साथ आगे बढ़ो। 100 डिपॉजिट किए, 90 को भूल जाओ, $10 पे ट्रेड करके $10 गेन करने की कोशिश करो।
अगर तुमने $10 से $90 भूल गए, $10 से $10 तुम बना लिए तो बहुत अच्छी बात है। फिर क्या करो, अगले दिन आओ, तुम अपना स्टॉप लॉस टारगेट बनाओ, $10 का मेरा लॉस है, $10 का मेरा टारगेट है। कोशिश करो कि उसी $10 से तुम $10 और बना लो, $10 तुम्हारा फिर बन गया, मतलब तुम्हारा $20 बन गया 2 दिन। यहाँ बंदे देखो, तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ सब 8 घंटे 9-10 घंटे 12 घंटे नौकरी करते हैं, कहीं कंपनी में जाके कहीं कुछ भी करते हैं, उनके पास कितना आता है पता है? 500-700 रुपए। अगर तुम एक दिन में 800-900 रुपए 1000 रुपए 10-20 मिनट के अंदर कमा ले रहे हो तो क्या तुम्हें कुछ घटा है क्या भाई? कुछ नहीं घटा है। एक दिन में अगर करोड़पति बनना चाहोगे तो मैं नहीं बना पाऊंगा, सिंपल बता दे रहा हूँ। एक दिन में तुम करोड़पति बन जाओगे ये कन्फर्म है, करोड़पति कभी नहीं बन पाओगे। तो अगर तुम्हें करोड़पति बनने के तुम सपने देख रहे हो ना, तो उस हिसाब से तुम्हें मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। अगर तुम उस हिसाब से मैनेजमेंट करके चले तभी तुम बढ़ सकते हो आगे, नहीं तो नहीं बढ़ सकते, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो मैं यहाँ से अब जाने वाला था, बट थोड़ा सा, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ आगे, और यहाँ पे मैं डाउन की ट्रेड ले, चलो मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड ले ली। मैंने 2 मिनट देखा स्विच करके, मुझे कंफर्मेशन मिला कि कैंडल डाउन जाएगी, तो मैं ले लिया ट्रेड। मैं भी 20-20 में ट्रेड करता रहूंगा और आपको समझाता रहूंगा कैसे करना। $10 से $10 गेन कर लिए, बंद कर दो। अगले दिन $10 से $10 बंद कर दो। एक दिन में अगर तुम अपने कैपिटल का 10% निकाल ले रहे हो, बहुत निकाल ले रहे हो मेरे भाई। मत कोशिश करो कि एक दिन में 100 से 100 बनाने की, 100 से अगर 100 बनाने की कोशिश करोगे तो बिक जाओगे। ठीक है, क्योंकि ये मार्केट है जिसमें दो कैंडल हैं, ये दो कैंडल तुम्हें रेड ग्रीन दिख रही हैं। इन रेड ग्रीन में इतने कॉन्सेप्ट लगते हैं, इतनी समझ लो इसमें क्या क्या लॉजिक है ना, तुम्हें खुद नहीं पता है। तुम्हारा पूरा कैपिटल उड़ा देगा एक एक कैंडल में जो ये भरा हुआ होता है ना, इसमें बहुत सारे राज हुए, इनको मुझे गेन करने में बहुत टाइम लगा, थोड़ा सा नहीं बहुत टाइम लगा, बहुत हद से ज्यादा टाइम लगा, मतलब 3-4 साल का एक्सपीरियंस है तो आप समझ सकते हो। अभी तक मैंने इतना ट्रेड किया, मेरा एक भी ट्रेड लॉस क्यों नहीं हुआ? कि भाई नॉलेज है। हाँ, मैं कहता हूँ कि मेरा भी ट्रेड लॉस होता है, मैं भगवान नहीं हूँ। तो जो मैंने आपको मनी मैनेजमेंट बताया, जो आपको प्लान बताया कि स्टॉप लॉस बना लो $100 से $10 का, $90 को भूल जाओ। अगर एक दिन तुम्हारा $10 लॉस भी हो जाता है तो लॉस को एक्सेप्ट करो, मार्केट में लॉस प्रॉफिट होता रहता है, लॉस को एक्सेप्ट करो। अगर तुम प्रॉफिट करना चाह रहे हो, अगर तुम प्रॉफिट को एक्सेप्ट कर रहे हो तो दोस्त मेरे, लॉस को भी तुम एक्सेप्ट करना सीखो। अगर तुम लॉस को एक्सेप्ट करोगे तभी तुम सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो अपनी लाइफ में, नहीं तो कभी नहीं बन सकते। ये मैं कह रहा हूँ, तुम इस बात को मान लो। कोई तुम्हें दुनिया का कितना भी बड़ा ट्रेडर आके बता देने, आज मैं तुम्हें प्रॉफिटेबल बना दूंगा एक ही दिन में, तो जाके देख लेना, एक ही दिन में तुम्हारा पूरा कैपिटल उड़ा देगा। ठीक है, तो लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो, प्रॉफिट करना सीखो। कैसे कर सकती हो तुम? नहीं खुद से कर पा रहे हो, लर्निंग ले लो, इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनो यार। इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने की बात करो, नहीं हो रहा है कुछ दिन वेट करो, लेकिन पैसा तो माँ बाप का एटलीस्ट मत डुबाओ, जो वो मेहनत से कमा के तुम्हें दिए हैं। और तुम कहीं से, तुम खुद अगर कहीं से कमा के आ रहे हो, एटलीस्ट उसको तो मत डुबाओ। उसको डुबा दोगे तुम्हारे पास बचे रहते हैं। हमेशा अपने इनिशियल कैपिटल को बचाने की कोशिश किया करो, ना कि डुबाने। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखता हूँ मुझे क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मैं एक ट्रेड और ले लेता हूँ, एक सेकंड जरा, अगर मुझे कंफर्मेशन मिलती है तो एक ट्रेड मैं यहाँ पे मारने वाला हूँ। चलो टाइम यहाँ से निकल गया ना, तो मार देता, देखते हैं नेक्स्ट कैंडल पे। देखो मैंने आपको बता दिया, $100 से मनी मैनेजमेंट की वीडियो डाली, उसको देख लेना। $100 से $100 का टारगेट रखो 7 दिन में। अब जब 7 दिन में अगर 10 दिन में तुम्हारा 8 दिन में 8-10 दिन में जब बन जाता है, फिर उसी 200 का 200 10 दिन में रखो, तब उसका तुम 10% दो। अगर तुम $200 का 10% डेली गेन करोगे ना, तब भी तुम इजीली आराम से अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो। बस गेन करने तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, अगर तुम गेन नहीं कर पाओगे, सोचो कि एक ही दिन में मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ, तो एक दिन में कुछ नहीं होगा भाई, इसके पीछे सालों की मेहनत करनी होगी। ये ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन जो कैंडल दिख रही है, इसमें बहुत कुछ होता है। ठीक है, ये तुम्हें डुबा लेते, छोड़ो कोई बात नहीं। एंट्री ऊपर थोड़ी सी लग गई, बट मैं लगाया रहा था, बट थोड़ी सी ऊपर लग गई, कोई दिक्कत नहीं, एक ट्रेड लॉस होगी, कुछ भी होगा मैं बंद कर दूंगा। आपको मैंने जितना मुझे समझाना था मैंने समझा दिया, ऑलरेडी मैं प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। आपको भी ऐसे मनी मैनेजमेंट से करना है ट्रेडिंग, और डेली का डेली जब अगर तुम टारगेट कंप्लीट करे ना, अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो ट्रेड मत करो, लेकिन एटलीस्ट लॉस तो मत करो। एक नहीं, 1000 अपॉर्चुनिटी तुम्हें मार्केट में मिलेगी, 1000 ट्रेड करने का वो मिलेगा। मैं दो चीज कहूंगा, चूतियों से बच के रहना, बैंक अपना कभी खाली मत करना, इनिशियल कैपिटल अपना कभी मत उड़ाना, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। पेशेंस रखो, इमोशन को कंट्रोल रखो, माइंडसेट बनाओ, साइकोलॉजी को अपने बिल्ड करो, ट्रेडिंग में रियल नॉलेज लो।
तो क्या पता ये WSP RSP SSB वगैरह क्या होता है, पूरी मार्केट चलती है उसके बेस पे, पूरी मार्केट चलती है। मतलब अभी तक आपके सामने इतना ट्रेड लिया, एक भी ट्रेड लॉस नहीं किया, और ये कैंडल थोड़ा सा तो बीच में मेरा ट्रेड लग गया था, तभी मैं थोड़ा सा अफसोस हुआ कि बीच में लग गया, बट ट्रेड अपने एकदम श्योर की। ये कैंडल अभी मैं तुम्हें बता सकता हूँ कहाँ जा सकती है, ये कैंडल मे बी अब बन सकती है, मे बी। अब मे बी क्यों, क्योंकि देखो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे नीचे से प्रेशर कैंडल ले रही है। देख लो मैंने तुम्हें कैंडल स्टिक साइकोलॉजी वगैरह हर एक चीज की वीडियो प्रोवाइड की है, हर एक चीज। तुम देखो यार भाई, माँ बाप कैसे पैसा कमा के दे रहा है, इस चीज को समझना चाहिए। अगर तुम अपने माँ बाप की प्रॉब्लम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा, बताओ। तुम अगर कंपनी में काम करके पैसा ला रहे हो, लॉस कर दे रहे हो दूसरों के चक्कर में, उनका वो अपने बारे में सोचते हैं भाई, तुम्हारे बारे में कौन सोचेगा। मेरा भी एक दिन नहीं हजार बार कैपिटल खाली करवा चुके हैं ये लोग, तभी इनको मैं चूतिया बोलता हूँ, मेरा चूतिया काटे हैं ये लोग। तो अब मैं इनका 10 के बाद इनकी दुकान बंद करने वाला हूँ, ठीक है, जो मेरा चूतिया काटे हैं। तो उतना अपने अंदर हिम्मत लाओ, अपनी औकात बनाओ, ये कैंडल फूट जा सकती है, ये कैंडल फूट जा सकती है। मैंने कहा था ये कैंडल ग्रीन बन सकती है और ये कैंडल फूट जा सकती है, एंट्री मिल जाएगी तो मैं ट्रेड, मैंने ट्रेड ले लिया। अब देखो ये मेरा लास्ट ट्रेड है, अगर ये लॉस हो या प्रॉफिट हो मैं ट्रेड यहाँ पे स्टॉप कर दूंगा वीडियो। जितनी लर्निंग देनी थी आपको मैंने दे दिया, ये मैं ट्रेड कैसे लिया मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता भी रहा हूँ कि रीजन के साथ मैंने ट्रेड कैसे लिया। अगर इस वीडियो में रीजन नहीं बता तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका रीजन बताऊंगा कि मैंने कैसे पिछली वीडियो में ट्रेड लिया था और इस वीडियो में कैसे ट्रेड ले रहा हूँ, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें बता दूंगा पूरा प्रॉपर रीजन। अभी मैंने आपको बताया कि अपना आपको डबल कैपिटल कैसे करना। डबल अगर कैपिटल करने की सोच रहे हो तो एक दिन का टारगेट कभी मत रखना, क्योंकि एक दिन में तुम्हारा कैपिटल डबल नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। डबल कभी नहीं होगा, डबल तुम नहीं कर पाओगे, जीरो कर दोगे। तो जीरो करने से अच्छा है टारगेट लंबा रखो, 10 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन का FA टारगेट रखो। ट्रेड रिफंड है, ट्रेड रिफंड है। मैं यहाँ पे देखो इतना एक्सपीरियंस है, मैं देख के बता रहा हूँ, अपने ट्रेड रिफंड है, विन नहीं हो बट रिफंड होगी। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, अब कैंडल यहाँ पे ग्रीन बनी बट गैप डाउन की वजह से अपने ट्रेड रिफंड हो गई। तो अब इससे ज्यादा ट्रेड नहीं लेने वाला ना, आपको कुछ और करके दिखाने वाला अपनी जो यहाँ पे ट्रेड हिस्ट्री वगैरह आप एक बार देख सकते हो प्रॉपर, आप देख लो यहाँ पे। यही होता है एक एक्सपीरियंस ट्रेडर, आप देख लो यही होता है एक एक्सपीरियंस ट्रेडर, ठीक। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना आपको, खुद कैपिटल गेन करना है, बिल्डअप करना, आगे बढ़ना लाइफ में, माँ बाप के सपने, खुद के सपने पूरे करने, तो कुछ नहीं करना दोस्त, सर नीचे करना अपना, जाना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, चैनल को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, आना, खुद से कैपिटल नहीं गेन कर पा रहे हो, लर्निंग लेना मुझसे, सीखना मुझसे, मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो, बैच 4 आने वाला है 10-15 दिन में, उससे सीखना, वहां से लर्निंग लेना, JSPIP में जुड़ जाना, डेली का डेली तुम्हें श्योर शॉट मिलेगा, बिना MTG बिना रिकवरी के डायरेक्ट श्योर शॉट। हाँ मेरा भी लॉस होता है, अगर एक कभी कभी एक दो ट्रेड लॉस में चले जाते हैं मैं उस ट्रेड को छोड़ देता हूँ, मैं सीधा अपने मैसेज डालता हूँ वेट फॉर, ठीक है, मैं डाल देता हूँ थोड़ा सा मैसेज, रुक जाओ भाई थोड़े टाइम में आपको सिग्नल दे रहा हूँ, 2 मिनट का वेट हो गए तो मैं आपको एकदम प्रॉपर सिग्नल देता हूँ, मैं सीधा मैसेज डालता हूँ वेट ए मोमेंट फाइंड ए श्योर शॉट, ठीक है। अगर मेरा एक ट्रेड लॉस चला जाता तो मैं सीधा एक मैसेज डालता हूँ वेट ए मोमेंट फाइंड ए श्योर शॉट, ना कि मैं बोलता हूँ तुम MTG यूज कर लो, रिकवरी यूज करो, ये सब फालतू काम मुझे नहीं आता, क्योंकि मेरे पास रियल नॉलेज है, मैं MTG रिकवरी कभी नहीं देता, डायरेक्ट श्योर शॉट देता, डायरेक्ट एक मैसेज डालूंगा वेट ए मोमेंट फाइंड ए श्योर शॉट, फाइंड करता हूँ श्योर शॉट, 2-4 मिनट ट्रेड करके मार्केट को अच्छे से, और प्रॉपर श्योर शॉट प्रोवाइड करता हूँ अपने SBI में, डेली का डेली वो प्रॉफिट करके आगे अपना कैपिटल बढ़ा रहे हैं। आपको भी बढ़ाना है तो आप भी आ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, कुछ नॉलेज मिली है, कुछ मैंने आपको सिखाया है कैसे किससे बचना है, कैसे आगे बढ़ना है, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देना, कमेंट छोड़ देना अपना, मैं समझ जाऊंगा आपके लिए और तगड़ी वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है।